कि मेरी बेटी को 14 वर्षों का वनवास होगा, वो अपनी बिटिया कबीर राम जी के लिए करते, जीवन में नहीं। आजकल लोग कहते हैं कि पैसा अगर न हो, लड़के की जॉब न लगी हो, घरवार परिवार, मतलब मैं सिर्फ इतना बोलती हूँ कि वो खाते पीते ना हो, मतलब खाना पीना भी फर्क होता है। लड़की के लिए लड़का देखने जाओ और गांव वाले कह दें कि भैया खाते पीते हैं, तो समझ लेना परिवार बढ़िया है। और भाई गांव वाले कह दें कि भैया पीते खाते हैं, बातें कहिए, पीते खाते तो समझ लेना पीने वाले मिल गए। तो बस इनसे सबसे बच के रहना। बाकी कभी कभी ऐसा होता है कि बड़े बड़े रंग, मतलब राजा जो थे वो जाने के बाद बेटियां घर में पहुंची तो वो भिखारी बन गए, और बड़े बड़े भिखारी जो थे वो बेटियों के कदम रखते ही राजा बन गए। ये भाग्य किस्मत कुछ न कुछ होती है, क्योंकि राजा जनक की बिटिया इतने ऊंचे घराने में गई थी और 14 वर्षों का वनवास हो गया, वन वन भटकना पड़ा। हर पिता चाहता है कि मेरी बेटी बड़े घर में पहुंचे। बाप तो वो है माताओं, बिटिया के लिए जब बाप लड़का देखने जाता है ना, तो उसी दिन बाप का चेहरा उतर जाता है। और बाप जब लौट के आएगा तो धोखे से बेटी पूछ ले, पापा कुछ ज्यादा मांग लिया क्या? तो बाप बोलता, नहीं लाडो, ज्यादा नहीं मांगा। वो क्या है ना, मैं ये सोच रहा हूं कि आज से चौथे महीने में तू पराई घर की हो जाएगी। ये घर, ये आंगन, ये परिवार, ये सब तेरा नहीं रहेगा। जो तू बात बात पे लड़ती थी, बात बात पे गालियां देती थी अपने भाई को, आज से तेरी कोई सुनने वाला नहीं होगा। मैंने तो कई बेटियां ऐसी देखी, बिटिया जब पैदा होती है ना तो भाग्य संस्कार और लक्ष्मी लेके आती है। बाप चाहे कितना भी गरीब हो, पिता चाहे कितना भी गरीब हो, और लड़के वाले अगर 10-15 लाख रुपए मांग लें तो एक महीने पहले से भागेगा, दौड़ेगा, धन इकट्ठा कर लेगा। लेकिन बिटिया की विदा करते ही करते बाप एक कोने में गिर पड़ता है, और जितने भी हिसाब किताब करने वाले आएंगे तो बोलेगा, भैया अभी आप 2 दिन रुक जाओ, क्योंकि लक्ष्मी गई वो तो गई, मेरे हाथों और पैरों को तोड़ के चली गई। आपका बेटा जितनी बार आपकी तबीयत नहीं पूछ पाएगा घर पे रह के, उतनी बार बिटिया ससुराल जाकर के पापा से 10 बार फोन कर लेगी, पापा आप ठीक है ना, आप दवा टाइम से खाते हैं ना, आपने भोजन कर लिया ना, आप स्वस्थ हैं ना। बिटिया 10 बार बाप को फोन करेगी, पल पल की खबर लेती रहेगी। अच्छा मैंने एक चीज और देखी कि जब बेटियां विदा होती हैं ना, रिश्तेदारों को आप बिटिया की शादी में 10 दिन रोके रहो, कोई दिक्कत नहीं, और जैसे ही बिटिया विदा हुई सब अपने अपने बोरी बिस्तरा बांध लेंगे, बोले मैं भी जा रहा, मेरे घर पे काम है, मैं भी जा रहा, मेरे घर पे काम है, सब निकल जाएंगे। ऐसा लगता है कि किसी बाप के यहाँ कोई डकैती डाल के सब कुछ लूट ले गया। बिटिया की विदाई पे सब रोते, सब। एक ऐसा व्यक्ति रोता जिसे नहीं रोना चाहिए, और वो है बेटी का भाई। जब तक कुंवारी रहेगी भैया रोज लड़ेगा, रोज मारेगा, रोज पीटेगा, कब खाना बना, कपड़े धुल दे, कपड़ों पे प्रेस कर दे, ये कर वो कर, बना ऐसे घर में शादी करूंगा, सास रोज लड़ेगी। भैया जब तक बिटिया कुंवारी रहती नाक में दम करके रखता है, और जिस दिन बहन विदा होती है तो सबसे ज्यादा भाई रोता है। एक व्यक्ति खड़ा था, बोला आज क्यों रो रहा है, अब तो ये जा रही है, अच्छा हुआ निकल रही, आफत है तेरे घर की। तो भाई बोलता, अरे बीरन जितनी बार लड़ा हूं ना, मैं अपनी तरफ से ही लड़ा हूं, और घर आने में अगर लेट हो गया तो उसने 50 फोन कर दिए, काम मर रहा है, अरे भोजन नहीं करना क्या, आज से न तो कोई लड़ने वाला होगा और ना ही कोई मनाने वाला होगा, न तो कोई
लड़ने वाला होगा और ना ही कोई मनाने वाला होगा। तो बोली कि मैं अब किसके इसके बिना एक पल नहीं रह सकता, कहां जाऊं। और एक बात और है दादा, बेटियां जो समझदार होती हैं ना, बेटियां जो समझदार होती हैं वो जिस खूटे से बाप बांध के आता है उसी खूटे पर पूरी जिंदगी काट लेती है। और कई बेटियां हमने ऐसी देखी हैं कि चाचा ताऊ पिताजी में अगर लड़ाई हो जाए मायके में तो ससुराल से बेटियां आती तो सबके घर जाती, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है और ऐसा करना भी है। अगर मायके में लड़ाई हो जाए तो आप निश्चिंत रहो, वो चाचा ताऊ बाप तुम्हारे रोज लड़ेंगे, रोज उनका झगड़ा होगा, सलाह होगी, लेकिन आपको लड़ाई मान करके अपने घर पे नहीं बैठना है। आप सबके आ जाओ, सबका सम्मान करो, किसी की बुरी मत बनो क्योंकि तुम पराए घर की हो। महाराज बहने तो ऐसी होती हैं, बाप को पता चल जाए कि बेटे ने गलती की और बाप अपने बेटे को फोन करे कि लाला घर पे आजा कुछ काम है मारने पीटने के लिए, तो बहन चुपचाप फोन कर देगी, दो तीन घंटे बाद आना वरना तेरी क्लास लगाई जाएगी, मैं भी नहीं बचा पाऊंगी, पापा बहुत गुस्से में हैं। हजार बार अपने भाइयों को बचाने की बहन कोशिश करती है। और तो छोड़ो, अगर बाप पे वो पिता पे या भाई पे जरा सी तंगी आ जाए, कमजोरी पड़ जाए, तो ये समझ लो बहन के घर खुद का पैसा न हो तो जितनी भी जितना भी जेवर सोना चांदी होगा चुपचाप गिरवी रख के भाई को पैसे दे देगी, तू अपना काम चला लेना बाद में दे जाना। बेटियां ऐसी होती हैं, जितने भी एहसान कर लोगे आप तब भी उड़ नहीं हो पाओगे। राजा जनक बहुत रोए, लेकिन आज चार चार दामाद ऐसे हैं जो बेटियों को खुश रखने वाले हैं। लिखते हैं विद्वान, फिर एक पूर्वी भाषा में भजन आता है। आज मिथिला नगरिया निहाल सखियां, आज मिथिला नगरिया निहाल सखियां, चारों दुला में बड़का कमाल सखियां, चारों ¡Gracias!
और जब तक उसमें कृष्ण या राम जो भी है प्रभु शामिल नहीं है तब तक वो काम आपका कभी पूर्ण होने वाला नहीं है। आपको एक बड़ा प्यारा उदाहरण देती हूं। पीछे दादा एक किसान था, उस किसान के दो बेटे थे और एक बिटिया थी। किसान ने मरने से पहले एक बात कही थी कि मैं जब मर जाऊं तो हमारी जो जायदाद है उसका आधा हिस्सा मेरे बड़े बेटे को और चौथाई का हिस्सा मेरे छोटे बेटे को और पांचवा हिस्सा मेरी बिटिया को देना है। ठीक है, कुछ दिन बाद किसान मर गए तो जब मरे तो उनके जायदाद में कुल 19 ऊंट निकले। कितने? 19 ऊंट निकले। अब महाराज बोले कि आधा हिस्सा देना है बड़े बेटे को, तो 19 के आधे तो हो नहीं सकते। तो बोले फिर क्या करें? बोले काम करो, एक बेच दो और जो पैसा आवे बाकी आधे आधे कर लो। बोले नहीं, हिस्सा तो पूरा ही पूरा होगा, बाप की जायदाद है। बोलो ठीक है। अब दादा चार दिन तक पंचायत चली लेकिन 19 ऊंटन को बंटवारा नहीं है। पांचवें दिन एक समझदार व्यक्ति वहां से निकला। जब निकला तो उसके हाथ में एक ऊंट था। बोले भैया ये भीड़ भाड़ कैसी है? बोले यहाँ 19 ऊंटों का बंटवारा नहीं हो पा रहा। बोले आपके हाथ में भी एक ऊंट है? बोले हाँ है। तो बोले मर कौन गया? बोले इनके पिता। अरे वो तो हमारे बड़े मित्र थे, ले 19 तुम्हारे और एक हमारा और शामिल करो, 19 और एक 20। अब 20 के आधे करो, कितने रह गए? 20 के आधे कितने हुए? 10। महाराज 10 ऊंट दे दिए बड़े बेटे को। अब बोले चौथाई का हिस्सा देना है छोटे बेटे को। तो बोले क्या करें? बोले चार पंचे 20, पांच ऊंट दे दिए छोटे बेटे को। बोले पांचवा हिस्सा देना है बिटिया को, तो पांचों को 20, चार ऊंट दे दिए बेटी को। अब 10 बड़े बेटा को, पांच छोटे बेटा को कितने आ गए? 15। और चार बिटिया को कितने आ गए? 19। जाको ऊंट तो 20 में बोलो तुम्हारा बंटवारा होगा, हमें वापस
दे दो। मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि पांच कर्म इंद्रियां, हाथ पैर मुंह मूत्र द्वार मन द्वार, हाथ पैर मुंह मूत्र द्वार मन द्वार, और पांच ज्ञान इंद्रियां आंख कान नाक जीव त्वचा, दस और पांच तत्व पृथ्वी जल वायु अग्नि और आकाश कितने हैं गए 15, और चार अंतःकरण मन बुद्धि चित्त और अहंकार 15 4 19, और जब तक आप पूरे जीवन में कृष्ण शामिल भीष्मा नहीं करोगे तब तक कोई भी बंटवारा होने वाला नहीं है। बोलिए गोविंद भगवान की। राजा जनक बड़े प्रसन्न है कि बड़े बेटे को राजगद्दी दी जाएगी। पूरे नगर में ढिढोरा बज रहे हैं लिखते विद्वान, ए राजा बनाए जाएंगे हमारे राम राजा बनाए जाएंगे। पर्वत से बोले जी आए थोड़ा बोलियम बनाइए, कैलाश पर्वत से बोले जी आए है। इधर महाराज मैया के कई कोप भवन में लेटी है, सब दिखाई दे रहे लेकिन के कई दिखाई नहीं दे रही। तो राजा दशरथ ने विचार किया, ये माताओं बोलना बंद कीजिए, आप केकई को देखा कि वो कोप भवन में है तो राजा दशरथ पहुंचे। देवी क्या बात है, सब लेटे हैं लेकिन सब अपने अपनी खुशी में हैं, आप यहां लेटी हो कोई कारण?
बोले हाँ महाराज, हमने सुना है कि राम का राज तिलक थी, लेकिन लाला तूने 14 वर्षों का वनवास मांग के ये बड़ा गजब कर दिया। लाला राजा दशरथ को कभी मैं मुंह नहीं दिखा पाऊंगी, वो किसके सारे अपने जीवन को काटेंगे। तू इस तरीके से नहीं बोल सकता, अपने वचन वापस ले ले। राम बोले, रघुवंशी हूं मैया, वचन कभी वापस नहीं हो सकते। तो अब यही कारण था कि मैया केकई की वजह से राम को वनवास नहीं हुआ। वो राम की मेहरबानी थी और राम को मैया बड़ा स्नेह करती थी। उस समय आया राजा दशरथ से कहा कि मुझे राम के लिए वनवास चाहिए। राजा दशरथ जमीन पर गिर पड़े और एक बात कही कि हे देवी, कैसे वर मांगे रानी, कैसे वर मांगे रानी, समझ न आई। आई आई मेरी मोतिया, राजा दशरथ बेहोश होके गिर पड़े। केकई ने जनलाए की एक बात कही कि प्रात होत मुनि भेष धर, जो न राम बन जाए मोर मरन रो अस जरन, न सोचो मन माए। अगर सुबह होते ही राम बन के लिए नहीं गए तो जिस द्वार से राम नहीं निकलेंगे उसी द्वार से मेरी अर्थी निकलेगी, इतना याद रखना। समझ गए कि अब ये नहीं मानने वाली,
राम को पता चला तो राम तो बड़े प्रसन्न है। मैया कौशल्या को हाथ पकड़ के बोले, मैया तो तू कष्ट है कि मैं बन जाऊंगा। मैया बोली, बहुत है लाला। तो बोले, हमारे एक सवाल को जवाब दे दे। सवाल क्या है? सवाल ये है कि अयोध्या नगरी का राज्य बड़ा है या जंगल बड़ा है? अयोध्या बड़ी है या जंगल बड़ा है? मैया कौशल्या बोली, लाला जंगल बड़ा है। तो सोच मैया, कैकेयी हमें कितना प्रेम करती हैं, अपने बेटे को छोटी सी अयोध्या का राज तिलक करवा दिया और मेरे लिए जंगल का पूरा राजपाट सौंप दिया, मैं जंगल संभालूंगा। कौशल्या बोली, हिचकी लेकिन लाला राम, तू हमें बातें बनाए के मत दिखावे, अगर तू बन के लिए चला गया तो बूढ़ी मैया पागल हो जाएगी। लखन ने कहा कि मैं भी चलूंगा, तो राम बोले, तुम तो पागल हो, यही रहो, माता पिता की सेवा करना, मैं आ जाऊंगा वापस। तो लखन ने बड़ी प्यारी बात कही कि हे वीरन, अगर जब शरीर से आत्मा निकल जाए तो शरीर का काम को नहीं, ऐसे ही अगर आप बन के लिए चले गए तो ये लखन यहां किसी काम का नहीं है, ऐसा समझाया। सीता ने कहा कि मैं भी चलूंगी। राम बोले, तुम पागल हो, यही रहो। सीता ने कहा, नाथ बिना म्यान के तलवार अच्छी नहीं लगती, बिना पति के पत्नी अच्छी नहीं लगती, बिना बाप कोयल के बाग अच्छा नहीं लगता, मैं आपको छोड़ के या नहीं रह सकती, लेके चलो। तीनों प्राणी तैयार हुए तो राजा दशरथ को जरा सो होश आयो, बोले थे, बात एक ही की, दो और सिधारे जाते हैं, क्यों नहीं जा रहा प्राण मेरा, जब प्राण न प्यारे जाते हैं। जानकी जानकी जाती है, लक्ष मड़ मरी लक्ष समान मुझे, जब ये भी बन को जाते हैं तो राजभवन सुनसान मुझे, अब इन महलों में अच्छा नहीं लगेगा। छह बार राम का नाम लिया और राम का नाम लेके ये समझ लो कि अब सांसें राजा दशरथ की अटकी हैं। सुमंत जी छोड़ने के लिए राम जी को चले तो जो घोड़े हैं ना वो आगे कदम नहीं बढ़ा रहे, बेचैन हैं। बार बार राम जी उनके सर पे हाथ फेर रहे, अयोध्या वासी रुदन कर रहे हैं, हे प्रभु ये प्रजा आपके बिना कैसे रहेगी। तीनों प्राणी जब चले तो बाबा